हेलो दोस्तों, हेमू प्रांजू किचन में आज आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं ऐसी चटपटी दाल जो खाने में टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी है। तो चलिए हम इसे बनाते हैं। यहाँ पर हमने लिया है छोटी साइज की लौकी और मिक्स दाल। दाल को अभी हम वॉश करेंगे। तो यहाँ पर हमने लौकी को छील करके धुल लिया था। अब इसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। हमारी सारी लौकी कट गई तो हम इसे अच्छे से फिर से धुल लेंगे। वैसे तो लौकी धुली हुई थी लेकिन हम एक बार फिर से धुलेंगे इसे। अब हमने लिया है प्रेशर कुकर, इसमें हम दाल को डाल करके फिर से वॉश कर लेते हैं। इधर हमारी लौकी भी धुल चुकी है और इसका पानी भी निकल चुका है और हमारी दाल भी धुल गई है। तो यहीं पर हम ऐड करेंगे इसमें 1.5 गिलास के लगभग पानी। बाकी आपके दाल की क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है पानी। और इसमें हम ऐड करेंगे धुली हुई जो लौकी छान के हमने रखी थी उसे, हल्दी, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और हम जो हींग है उसे पहले ही डाल दे रहे हैं क्योंकि ये पाउडर वाली हींग नहीं थी तो इसे धुलने में टाइम लगेगा, तो दाल के साथ ही पक जाएगा। अब इधर हमारा पैन गरम हो गया था तो यहाँ पर हम बड़ियों को फ्राई कर लेते हैं अच्छे से। मैंने घी में फ्राई किया है, आप ऑयल में भी कर सकते हैं, बटर में भी कर सकते हैं। तो हमारी बढ़िया जो है वो अच्छे से सिक चुकी हैं। अब हम इसे निकाल लेते हैं। अब यहीं पर हमने ऐड किया उसी घी में मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल। जब तेल गर्म हो गया तो हमने इसमें जीरे का तड़का लगाया, लाल मिर्च, तेज पत्ता। अब इसे थोड़ा सा मिर्च को रोस्ट होने देंगे। जब हमारी मिर्ची लाल हो गई अच्छे से तो हम इसमें जिंजर और लहसुन का प्रेस करके रखा था या पेस्ट है उसे हम ऐड कर लिए। कटे हुए बारीक प्याज से चलाते हुए रोस्ट करेंगे। बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है। अब यहाँ पर हमने टमाटर डाला। टमाटर बहुत महंगा है इसलिए मैंने आधा ही डाला है, और धनिया पाउडर। अब जब हमारा टमाटर जो है अच्छे से पक गया तो यहीं पर हम ऐड करेंगे गरम मसाले 1 चम्मच के लगभग, बड़ी चम्मच से। अब इसे भी अच्छे से चलाते हुए मिला लेंगे। अब हमारा मसाला जो है वो बहुत अच्छे से पक गया है। यहाँ पर हमने 2 चम्मच के लगभग पानी भी ऐड किया था मसाले को भुनने के लिए, तो मसाला हमारा भुन चुका है। अब इधर हम दाल देख लेते हैं। यहाँ पर दाल भी हमारी बहुत अच्छी पक गई है लौकी के साथ। अब इस मसाले में हम दाल को ऐड करेंगे। मसाला हमारा ऑयल छोड़ने लगा था तो हमने यहाँ पर दाल ऐड कर दिया। अब इसे हम चलाएंगे। जो हमने बढ़िया फ्राई की थी उसे भी हमने डाल दिया है। बढ़िया मैंने लास्ट में डाला है तो इसका जो क्रंचीपन होता है वो बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर जो है हमारी दाल जो है बहुत अच्छे से उबल के रेडी हो चुकी है। देखने में बहुत अच्छा लग रहा है और उतना ही अच्छा खाने में भी टेस्टी टेस्टी है, जो हेल्दी भी होता है। बच्चे तो ऐसे नहीं पसंद करते हैं लौकी, लेकिन दाल में डाल देने पर वो खा ही लेते हैं, उन्हें टेस्टी भी लगता है। तो आप भी इस तरह से ज़रूर बनाइए मिक्स दाल लौकी। धन्यवाद।